हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी एट अमीवन्यू आई एस ई वेरी वो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और आज हम यहाँ पे एच सी एस एग्ज़ाम के लिए एच सी एस एग्ज़ाम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए यहाँ पे जोग्राफी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इंडियन जोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे एम सी क्यू राइट एम सी क्यू के साथ साथ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टॉपिक्स भी देखेंगे राइट एम सी क्यू करेंगे और साथ साथ में हम क्या करेंगे टॉपिक्स देखेंगे राइट सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग राइट right? बहुत ही अच्छी ऐसे प्रैक्टिस करने से ना बहुत सही प्रैक्टिस होती है आपकी राइट right? कि आप एम सी क्यू के साथ साथ जब आप टॉपिक्स को डिस्कस करते हो राइट तो दिस इज वी कॉल्ड इट एज स्मार्ट स्टडी है ना क्योंकि आप एक एक टॉपिक करते जाते हो साथ की साथ राइट right? तो आपका टॉपिक भी हो गया और आपका एम सी क्यू भी हो गया राइट right? और एम सी क्यू तो आपको पता ही है प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना ज्यादा क्रिटिकल रोल आ, यहाँ पे रोल प्ले करते हैं राइट सो so, ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे राइट तो टॉपिक क्या-क्या कवर करेंगे टॉपिक क्या-क्या कवर करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यू राइट एमसीक्यू देखेंगे और फिर क्या करेंगे हम उनकी इवन डिस्कशन भी यहाँ पे करेंगे राइट तो so, डिस्कशन करेंगे राइट टॉपिक्स की डिस्कशन भी करेंगे जो भी एमसीक्यू में टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे साथ के साथ राइट ओके तो इंडियन ज्योग्राफी के इस तरीके से आपके मोस्ट इम्पॉटेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो एम सी क्यू की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे ठीक okay, okay. so है जी ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ठीक है क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ठीक है तो क्वेश्चन को आप पढ़िए स्टूडेंट राइट ध्यान से पढ़िए पॉज लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए ठीक है आप यहाँ पे पॉज लीजिए हाँ जी पॉज लिया आपने राइट right? सिर्फ आप फिफ्टीन सेकेंड का पॉज लीजिए लीजिए इससे ज्यादा नहीं ठीक है हाँ जी तो क्वेश्चन क्या है कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंने यहाँ पे पूछा है आपसे सेकेंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं पूछा ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ पे पूछा है स्टूडेंट अगर लेंथ वाइज मैं बोलूँ तो आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी बताना है यहाँ पे हाँ जी तो बताइए पहला बोलता है रिहंद रिवर कोसी रिवर यमुना रिवर महानंदा रिवर ठीक है हाँ जी तो बताओ आप ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसके अंदर से तो ट्रिब्यूटरी बताइए स्टूडेंट फटाफट से ट्रिब्यूटरी बताओ पॉज लीजिए स्टूडेंट फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए हाँ जी तो स्टूडेंट अच्छा ठीक है एक मिनट स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ठीक है मेरे से मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स आई एम सॉरी ठीक है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा है स्टूडेंट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है किसकी हमारी गंगा की ठीक है तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है स्टूडेंट हमारी सी ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ अवर यमुना ठीक है यमुना रिवर ऑल्सो नोन एज जमुना जमुना भी बोलते हैं इसको ठीक है इज ए मेजर रिवर इन द नदर्न इंडिया लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी यही है ठीक है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी हमारी कौन सी है तो यमुना रिवर है द यमुना रिवर हैज ए टोटल लेंथ कितनी लेंथ है यमुना रिवर की वन थाउजेंड थ्री सेवन सिक्स किलोमीटर द यमुना सोर्स क्या है स्टूडेंट यमुना का सोर्स आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट दैट इज द यमुनोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है हमारी कौन सी हमारी यमुना रिवर तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि गंगा रिवर की का मेन सोर्स कहाँ गंगा रिवर कहाँ से निकलती है ठीक है तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में ठीक है तो यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ठीक है नियर बंदर पुंछ पीक्स इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालय एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 6387 मीटर अबव द सी लेवल इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ठीक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है सॉरी उत्तराखंड में पड़ता है वहां से हम हमारी यमुना निवर, रिवर निकलती है ठीक है याद रखना स्टूडेंट यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी जो रिवर है स्टूडेंट वो ओरिजिनेट होती है ये याद रखना है आपको ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं स्टूडेंट वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो देखो हमने यमुना के रिवर के बारे में पढ़ लिया हमने ठीक तो है तो स्टूडेंट थोड़ा सा देखते हैं देखो ये हमारी गंगा रिवर आ रही है तो यहाँ पे पैरलर पैरलर ये फ्लो करती है कौन सी हमारी यमुना रिवर और फिर अलाहाबाद में आके जिसको हम प्रयागराज कहते हैं वहां पे आके यमुना रिवर जो है वो मिल जाती है किसके साथ हमारा गंगा के साथ राइट और इसकी गंगा यमुना रिवर की भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल रिवर हो गए चंबल की आगे फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं ठीक है गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक गो गोवती ठीक है कोसी रिवर राइट ये सारी इसकी क्या है हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ठीक है बट लॉन्गेस्ट जो हमारी ट्रिब्यूटरी है या लार्जेस्ट भी बोले तो दैट इज़ अवर यमुना ट्रिब्यूटरी ठीक है दैट इज़ अवर यमुना ट्रिब्यूटरी ठीक है ओरिजिनेट कहाँ से होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ओके जी ठीक है बच्चे हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट हाँ जी क्वेश्चन क्या है पढ़िए स्टूडेंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री यूज्ड टू सेपरेट द कंट्रीज एटमोसफियर फ्रॉम द आउटर स्पेस जो हमारा अर्थ का एटमॉसफियर है जो हमारा अर्थ का एटमॉसफियर है स्टूडेंट और जो हमारा बाहर का स्पेस है ठीक है वो उस लाइन को उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट ये बता दें आपको तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट स्पेस लाइन बोलते हैं दुरंद लाइन बोलते हैं दुरंद लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑप्शन क्यों क्योंकि क्यों? 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 ये तो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का क्या है जो बॉर्डर है ना उसको बोला जाता है के जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है ना स्टूडेंट जो लाइन है उसको दुरंत लाइन बोलते हैं वीनस लाइन क्या बोलते हैं या कर्मन लाइन बोलते हैं हाँ जी तो ऑप्शन बताइए करेक्ट क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अवर कर्मन लाइन करेक्ट ऑप्शन इज कर्मन लाइन तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट इसकी क्या है द कर्मन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमोस्फियर एंड द आउटर स्पेस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर अगर हम हंड्रेड किलोमीटर ऊपर जाएं ठीक है और 62 टू माइल्स अबव द सी लेवल द लाइन इज नेम्ड आफ्टर थियोडर वॉन कर्मन ठीक है एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर थे फिजिशियन थे जो आ, फिजिक्स थे ठीक है जो एक्टिवली प्राइमरली क्या थे एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स थे ठीक है जिन्होंने कर्मन लाइन को डिसाइड किया था ठीक है ये उनके नाम पे ही फेमस है स्टूडेंट थियोडर वॉन के नाम पे ठीक है जी ओके okay. ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं यहाँ पे हम थ्री हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़िए थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से क्या था विच ऑफ द फॉलोविंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर सेपरेट स्टेटोफियर एंड ट्रोपोस्फियर यू नो दैट कि हमारी अर्थ में मेन फाइव लेयर्स हैं है ना फाइव लेयर्स हैं सबसे नीचे जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लेयर है अर्थ के जो ग्राउंड लेवल है जहां पे हम लोग रह रहे हैं इस टाइम पे दैट इज अवर ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फीयर ठीक है उससे ऊपर स्टूडेंट हमारी स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फीयर ठीक है उससे अगली बताओ मेरे को कौन सी है अगली है हमारी मीजोस्फियर राइट मीजोस्फियर ठीक है जी तो उससे ऊपर हमारी थर्मोस्फीयर ठीक है और उससे ऊपर हमारी एक्सोस्फीयर एक्सो वर्ड से ही पता चल रहा है आपको एक्सो वर्ड से ही पता चल रहा है ठीक है ओके बच्चे तो बताइए फिर कौन सी लेयर होगी अब तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया ट्रोपोस्फीयर और हमारा जो स्ट्रेटो सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर है उसके बीच में कौन सी लेयर आएगी ऑब्वियसली जहां पे हमारा ट्रोपोस्फीयर खत्म होगा है ना वहीं से हमारी स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होगी

एट द पोल्स टू अप्रोक्सीमेटली एटीन किलोमीटर यू नो दैट की जो पोल है राइट right? ये हमारा इक्वेटर और पोल है स्टूडेंट वहां पर डिफरेंस है स्टूडेंट ठीक right? okay? है पोल टू अप्रोक्सीमेटली एटीन किलोमीटर एट द इक्वेटर ठीक है ओके देखिए पांच किलोमीटर है कहाँ पे हमारा पोल्स के पास और इक्वेटर के पास एटीन किलोमीटर दिस इज इक्वेटर जीरो डिग्री और ये हमारा पोल जहाँ पे कितना है हमारा एट किलोमीटर नहीं सॉरी फाइव किलोमीटर एट किलोमीटर हाँ सही है ठीक है ठीक है इट इज़ थर्मोडाइनमिक ग्रेडियंट स्टेटिफिक स्टेटिफिकेशन लेयर मेकिंग द एंड ऑफ द स्टेटोसफियर ट्रोपोस्फियर सॉरी ठीक है जी अच्छा अब आप मेरे से पूछ रहे हो गए यहाँ पे कि मैडम इक्वेटर पे जो लेंथ है ट्रोपोस्फियर की वो ज़्यादा है पोल्स पे कम है ऐसे कैसे हो गया ना, पोल पे भी तो एटमोसफियर है तो सीयर स्टूडेंट देखो यार इक्वेटर जो है उसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है सनलाइट जो हमारा सन है स्टूडेंट उसकी इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ती है उसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर है ना और पोल्स तक वो क्या है थोड़ा इस तरीके से बहुत ही स्लांट रेज पड़ती है ऑब्वियसली तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी तो जब चीजें गर्म होती हैं तो आपको भी पता है नेचर का रूल है कि वो क्या होती हैं फैलती हैं एक्सपेंड करती हैं पानी को जब आप गर्म करते हो तो एक्सपेंड करता है राइट आइस को जब आप मेल्ट करते हो तो एक्सपेंड करती है राइट तो सिमिलर थिंग अप्लाई ऑन योसफियर जब हाँ एटमोसफियर जो है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है जैसे कि इक्वेटर वाला रीजन है ट्रॉपिक वाला रीजन है राइट तो वहाँ पे क्या होगा गर्म होने की वजह से हवा उठ जाएगी ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी तो एयर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे राइट सो दैट्स वाई वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है ठीक है तो ट्रॉपोस्फियर जो है वहाँ पे उसकी एल्टीट्यूड जो है वो ज्यादा है पोल्स में क्या है हमारा जो एटमोसफियर है वो डेंस हो जाता है क्यों डेंस हो जाता है क्योंकि वहां पे वहां पे ऑब्वियसली जो सन इंसोलेशन है वो बहुत ही कम है राइट सर्दी ज्यादा है विंटर सीजन मतलब विंटर ज्यादा है वहां पे हार्श क्लाइमेट हार्श तरीके का वहां पे क्लाइमेट है राइट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है वहां पे तो एटमोस्फियर डेंस हो जाता है वहां पे इसीलिए वहां पे ट्रोपोस्फियर की जो लेंथ है ठीक है वो क्या है वहां पे कम है कंपेयर टू एट इक्वेटर ओके स्टूडेंट इक्वेटर में कितनी है 18 किलोमीटर और हमारी पोल्स पे कितनी है 8 किलोमीटर ठीक है जी ओके ओके आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर अबव द स्टेटोस्फियर एंड बिलो द थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर के बिलो और स्टेटोसफियर के ऊपर कौन सी लेयर मिलती है ठीक है, आई थिंक सो कि आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अच्छे से डी ऑप्शन है स्टूडेंट आपका यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थर्मोस्फियर ठीक है अब अब आंसर करो आप स्टूडेंट इसका ऐसे तो मैंने आपको वहां पे बना के दिखा दिया है तो ऑब्वियसली आपको अब तक आंसर मिल गया होगा इसका है ना बहुत सिंपल आंसर है तो बताइए फिर दैट इज दीजोस्फियर दट इज द मीजोसफी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है मीजोस्फियर इज वन ऑफ द फाइव लेयर्स ऑफ एटमोसफियर सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ इट इज द रीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर अबव द स्टेटोस्फियर स्टेटोस्फियर से ऊपर है एंड बिलो द थर्मोस्फीयर बिटवीन द बिटवीन अबाउट थर्टी टू फिफ्टी माइल्स इन द एल्टीट्यूड ठीक है थर्टी टू फिफ्टी माइल्स तक जो है वो इसका एल्टीट्यूड है स्टूडेंट दट इज मीजोसफियर ठीक है तो आप एक बार के लिए रिमाइंड कर लो स्टूडेंट अच्छे से इसको याद कर लो ठीक है लर्न कर लो कि पांच लेयर्स होती हैं एटमोस्फियर के अंदर सबसे नीचे नीचे सबसे नीचे कौन सी होती है हमारी आप बताओ प्रोपोस्फियर उससे ऊपर स्टेटोस्फियर उससे ऊपर थर्ड लेयर कौन सी है हमारे स्टूडेंट देखो ना ये क्या बोल रहे हैं स्टेटोस्फियर से ऊपर ठीक है और थर्मोस्फियर से नीचे तो थर्मो यहां होगी और ये होगी ऊपर वाली सबसे ऊपर एक्जोस्फियर ठीक है तो ये हमारी पांच लेयर हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट बिलो द थर्मोस्फियर बिटवीन अबाउट थर्टी टू थर्टी एंड फिफ्टी माइल्स इन द एल्टीट्यूड ठीक है स्टूडेंट जैसे जैसे स्टूडेंट हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ठीक है स्टूडेंट ओके आई थिंक कि वन किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हो वन किलोमीटर एल्टीट्यूड में आप ऊपर जाते हो तो वन डिग्री सॉरी सिक्स डिग्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट आपका कम हो जाता है ठीक है जी सिक्स डिग्री माइनस सिक्स हो जाएगा ठीक है एक किलोमीटर ऊपर जाने से छः डिग्री टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा सिक्स ठीक है जी ओके ओके हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अटेम्प्ट कीजिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आसान भी है और मतलब यू you नो know, देखो इन के खास बात पता पता है है क्या होती है? आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए थोड़ी आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए ठीक ऐसा नहीं है आप बस फैक्ट ही फैक्ट रटते जा रहे हो रटते जा रहे हो नॉलेज आपको उस टॉपिक के बारे में है नहीं मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया फिर आप क्या करोगे एग्जाम में है ना तो देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड इन द इंडिया कहता विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड इन इंडिया पूछे ठीक है लार्जेस्ट पूछा स्टूडेंट इनलैंड मतलब की लैंड के अंदर वेटलैंड मतलब की सॉल्ट वेटलैंड पूछा है स्टूडेंट कौन सा है और कौन से स्टेट में मिलता है वो हमें बताइए बताओ स्टूडेंट कौन से स्टेट में मिलते हैं ठीक है ये क्वेश्चन पूछने का पर्पज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा उसने लार्जेस्ट पूछा इनलैंड सलाइन वेटलैंड पूछा उसने ठीक है आंसर तो क्या होगा स्टूडेंट द्बर सॉल्ट लेक द सांबर सॉल्ट लेक पे है स्टूडेंट हमारी राजस्थान के अंदर है ना तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा स्टूडेंट हमारा राजस्थान ठीक है जी तो देखो इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी जयपुर जयपुर के पास पड़ती है, है हमारी एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ़ अजमेर राजस्थान इट सराउंड हिस्टोरिकल सांबर लेक टाउन ठीक है, सेलाएन है। सेलाएन वाटर समझते हो आप ना बहुत ज्यादा खारा ना बहुत ज्यादा मीठा पानी ठीक है सलाइन ठीक है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट सॉल्ट लेक है स्टूडेंट ये लार्जेस्ट ठीक है जी ओके okay, स्टूडेंट तो सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़िए कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रूव कवर इन द कंट्री मैनग्रूव कवर पूछा स्टूडेंट मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है आपको कौन सी इंडियन स्टेट में तो पहला ऑप्शन गुजरात उड़ीसा बिहार वेस्ट बंगाल तो बताइए स्टूडेंट कहाँ पे है सबसे ज्यादा दैट इज वेस्ट बेंगाल वेस्ट बंगाल में क्यों स्टूडेंट क्योंकि वहां पे हमारी जो गंगा है ठीक है गंगा है वो लार्जेस्ट क्या बनाती है लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या बनाती है डेल्टा बनाती है ठीक है कहाँ पे बनाती है जब वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है राइट बे ऑफ बंगाल के अंदर और उस डेल्टा का नाम क्या है सुंदर क्या नाम है सुंदरबन डेल्टा

प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट मैनग्रोव जो ट्री होता है ठीक है वो हमारे कहाँ पे ग्रो करता है सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो करता है ठीक है बहुत ज्यादा पानी जो है बहुत ज्यादा सॉल्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऊपर से गंगा आती है यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है यहाँ पे क्या है हमारा सी का वाटर है तो ऊपर से फ्रेश वाटर आ रहा है नीचे से सी आ रहा है तो यहाँ पे हमारे मैनग्रोव्स ग्रो करते हैं ठीक है मैनग्रोव्स के बारे में स्टूडेंट मैं आपको इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से बताऊंगी क्योंकि मैनग्रोव्स के ऊपर बहुत बड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ मैंने ये एक, एक पी वाई क्यू है ये ठीक है उसमें क्वेश्चन पुट किया हुआ था कि कोस्टल रीजन के अंदर ठीक है जब भी कोई क्या आती है जब भी सुनामी आती है ठीक है सुनामी आती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है एक यूनिक काइंड ऑफ एक यूनिक काइंड ऑफ प्लांट्स uh, तो था स्टूडेंट मेनग्रोव क्योंकि जो मेनग्रुव ट्री होता है ना स्टूडेंट उसकी roots जो होती है वो बहुत डीप तक जाती है ठीक है तो जब पानी जब आता है सुनामी आती है जब पानी कोस्ट को टकराता है ना तो मैनग्रुव जो हैं वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट वो एक तरीके की वॉल की तरह एक्ट करते हैं सो दैट पानी जो है वो आगे ना जाए पानी जो है वो अंदर एंटर ना करे लैंड के अंदर या हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं वहाँ पे एंटर ना करें तो मैनग्रोव ट्रीज वैसे तो ट्री स्टूडेंट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन से बचाते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं है ना और क्या करते हैं हमें बहुत सारा फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं राइट यस और नो और हमें बहुत सारे फ्लड जैसे बहुत सारे डिजास्टर से भी हमें बचाते हैं सुनामी फ्लड्स है ना हर चीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो उसी तरीके से जो मैनग्रोव हमारे जो ट्रीज हैं वो हमें कोस्टल सुनामी से या फिर फ्लड से हमें क्या करते हैं सेव करते हैं राइट ओके ठीक है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है स्टूडेंट हमारे सुंदरबन डेल्टा के ऊपर है ठीक है और अगर इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ कि हमें मैनग्रोव ट्रीज कहाँ कहाँ पर मिलते हैं तो सीयर स्टूडेंट एक तो हमें वेस्ट बंगाल में मिलते हैं ठीक है जितने भी रिवर्स डेल्टा बनाते हैं ना वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है जैसे कि हमारी ओडिशा में हमारी गोदावरी रिवर होगी कृष्णा रिवर होगी ठीक है इधर गुजरात में भी हमें थोड़े क्या दिखते हैं हमें हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं हमें ठीक है जी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है बिच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल तीसरा लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल पूछा है स्टूडेंट हमारा इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर

भाखड़ा डैम है ओके तो भाखड़ा डैम इज द कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द सतलुज रिवर इन द बिलासपुर ठीक है बिलासपुर में है ये ठीक है ओके okay. तो so, देखो हिमाचल प्रदेश इन द नदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इट इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन द इंडिया राइट इन द इंडिया ओके इट इज अच्छा पहला कौन सा है द फर्स्ट बीइंग इंदिरा सागर डैम फर्स्ट कौन सा है हमारा स्टूडेंट इंदिरा सागर डैम ठीक है इंदिरा सागर डैम है हमारा इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश विद कैपेसिटी ऑफ विद कैपेसिटी ऑफ वन पॉइंट है ये ठीक है जी अच्छा तो सेकंड कौन सा स्टूडेंट सेकंड है हमारा नागा अर्जुना डैम ठीक है नागा अर्जुना सागर डैम ये कहाँ पे स्टूडेंट हमारा तेलंगाना और हमारी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ठीक है कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ okay. फट है ठीक है जी ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एट्थ नंबर क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो कहते हैं विच अमंग द इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन केनाल इन इंडिया लॉन्गेस्ट इरिगेशन केनाल कौन से स्टूडेंट सबको पता होगा दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल जिसको पहले राजस्थान केनाल भी कहते थे ठीक है लार्जेस्ट केनाल है स्टार्ट होती है ये हरी के बैरिज से ये आपको याद रखना हरी के बैरिज से स्टार्ट होती है कि फ्यू किलोमीटर बिलो कॉन्फ्लेंस ऑफ द सतलुज और ब्यास रिवर जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर हमारी क्या होती है स्टूडेंट कॉन्फुलेंस जहाँ पे आके वो मिलती हैं उससे कुछ किलोमीटर नीचे इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड टर्मिनेट्स इन इरीगेशन फैसिलिटीज इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ़ द राजस्थान प्रीवियसली इट इज नोन एज द राजस्थान कैनाल बट इसको फिर जब एसेसिनेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इन नाइनटीन एटी फोर उसके बाद इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है तेहरी डैम विच इज़ द हाइस्ट डैम इन द इंडिया रिसीव वाटर फ्राम विच ऑफ द फॉलोविंग रिवर ठीक है तेहरी डैम के बारे में पूछा हुआ हाइएस्ट डैम है ये तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से ये वाटर को रिसीव करता है गंडक रिवर से करता है घाघरा से भागीरथी से या गोदावरी से इसे करता है स्टूडेंट बताओ दैट इज तेहरी डैम इज सी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका मतलब भागीरथी रिवर से तो देखिए तेहरी डैम जो है वो हाइएस्ट डैम है इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाइएस्ट डैम है कहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इट इज मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फील्ड इन डैम ऑन द भागीरथी रिवर नियर तेहरी उत्तराखंड ठीक है ओके जी लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है ऑफ द रिवर हैज अ सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा स्टूडेंट बेसिन समझते हो ना आप ठीक है किसी रिवर का उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ इस तरीके से जो भी एरिया वो कवर करती है ठीक है तो लार्जेस्ट किसका है स्टूडेंट सेकेंड लार्जेस्ट दैट इज गोदावरी फर्स्ट किसका है पहले नंबर पे गंगा का ठीक है गंगा हमारी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर बेसिन उसी के नाम पे है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा गोदावरी इन द सदरन पेनसोला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग टेन परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया द रिवर हैज़ इट्स ऑरिजिन ऑरिजिन इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र द रिवर पोर्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज गंगा बेसिन ठीक है जी ओके okay, जी ठीक है यहाँ पे आपको ओके ओके स्टूडेंट ठीक है ये ये हमारे क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट तो एच सी एस के लिए स्टूडेंट हमारा फास्ट ट्रैक बैच यहाँ पे चल रहा है जो स्पेशल फोकस कर रहा है प्रीलिम्स के ऊपर जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट ये सेवेंटी डे हमारा क्रैश कोर्स है स्टूडेंट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी वीकली डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे वीकली टेस्ट होंगे आपके राइट right? और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ट्वेंटी सिक्स टेस्ट होंगे स्टूडेंट ठीक है ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है स्टूडेंट हमारे प्रीलिम्स को फोकस करते हुए ये हमने बैच लॉन्च किया है राइट right? तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे थैंक यू